हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे गैन पैक्ट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो गैन पैक्ट जनरली अभी प्रोसेस एसोसिएट के लिए हायर कर रही है और इसकी हायरिंग अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम समझते हैं। बेसिकली इसमें तीन राउंड्स होते हैं ज़्यादातर, तो इन तीन राउंड्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो राउंड होगा वो आपका होगा ऑनलाइन कोडिंग राउंड, ठीक है, कोडिंग राउंड नहीं, ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। एक ऑनलाइन टेस्ट राउंड होगा जिसमें क्या होगा, जनरली आपसे क्वांट के, रीजनिंग के और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वेरी कर सकते हैं, जनरली इसमें 15-15-15 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस राउंड के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बेसिक लेवल के होते हैं, और अगर आपको एप्टीट्यूड प्रिपरेशन देखना है तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस राउंड में जब आप लगभग 60-70% स्कोर कर लेते हैं तो आपका चांस अच्छा बन जाता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस राउंड को क्लियर करने के बाद फिर एक और मेल आता है जो एक ऑप्शनल हो सकता है। उस मेल में या तो आपका जैम सेक्शन होगा, मींस जस्ट अ मिनट, ये दूसरा राउंड होता है जैम राउंड, जस्ट अ मिनट राउंड। तो सर इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें आपके 15-15 क्वेश्चन होंगे लॉजिकल लॉजिकल इंग्लिश और मैथ्स में, 60-70% लगभग इसका कट ऑफ रहेगा। जैम राउंड में क्या होगा, जस्ट ए मिनट राउंड में आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको क्विकली एक मिनट के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे कि टॉपिक हो गया अ मेमोरेबल डे, तो आपको अपने किसी भी मेमोरेबल डे के बारे में बताना है एक मिनट तक कि आपका उस दिन क्या हुआ था, क्यों मेमोरेबल है, क्या क्या आपने किया। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि कोरोना में, जैसे कोरोना के ऊपर आपको दिया जा सकता है कि आपको एक मिनट बोलना है, या वर्क फ्रॉम होम उस पर आपको एक मिनट बोलने को दिया जा सकता है। तो आपको एक मिनट में अपने पूरे विचार व्यक्त करने हैं। तो ये राउंड होता है, अगर इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इंग्लिश में फ्लुएंसी है, तो ये राउंड भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा राउंड आता है इंटरव्यू, विच इज़ बेसिकली रिलाई ऑन एचआर एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस, ओके। सो तीसरा होगा आपका इंटरव्यू फेस टू फेस। आजकल टेलीफोनिक भी होने लगा है, तो ज़्यादा कुछ बड़ी इसमें बात होती नहीं है, 20-25 मिनट का इंटरव्यू होता है। बेसिकली ऑन योर रेज्यूमे आपको क्या करना है, अपने रेज्यूमे को गैनपैक्ट के लिए सबसे अच्छा प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि पूरा इंटरव्यू आपके रेज्यूमे पे ही शेड्यूल होने वाला है। तो बेसिकली जो भी डालो वो पढ़ लेना, जैसे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह डाले तो वो पढ़ लो, इंटर्नशिप डाली है वो पढ़ लो, या फिर आपने कोई भी लैंग्वेज वगैरह कर रखी है उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए, C++, SQL, जो भी हो गया, प्रोजेक्ट्स के बारे में ढंग से पढ़ लो। और बेसिकली आपसे HR और बिहेवियरल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक PDF बनाई थी हमने, जिसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं HR के, साथ में ही उनके आंसर भी दिए हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आ रही होगी। तो उसको जाके डाउनलोड करके आपको याद करनी है, और इस राउंड में आपका गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने वो PDF पढ़ ली तो, ठीक है। तो जब ये तीनों राउंड आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप प्रोसेस एसोसिएट का इंटरव्यू मान लो क्रैक कर लेते हो। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल में आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सिंपल होता है प्रोसेस एसोसिएट का इंटरव्यू और पूरा ही प्रोसेस, क्योंकि गैनपैक्ट काफ़ी बच्चों को हायर करती है इसके थ्रू। तो अगर आप थोड़े से भी प्रिपेयर हो, मतलब बेसिकली अगर आपने एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रखा है तो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है जैम क्लियर हो जाएगा, और इंटरव्यू राउंड के लिए तो आपको केवल अपने रेज्यूम को पढ़ना है। तो ये काफ़ी एक सिंपल प्रोसेस है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।